guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare, and we'll discuss the act 4 scene 3 summary and analysis. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters, complete summary and the summary and analysis of the previous acts and previous scenes. सो अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बी ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस सीन. सो गाइज, दिस सीन स्टार्ट्स आउटसाइड द किंग एडवर्ड्स पैलेस इन इंग्लैंड. सो गाइज, लास्ट सीन में हमने देखा था कि मैकबेथ ने कुछ मर्डर्स हायर कर रखे थे और वो मर्डर्स लेडी मैकडफ का और मैकडफ के बेटे का मर्डर कर देते हैं. सो ये जो सीन है ये स्टार्ट होता है किंग एडवर्ड जो है वो इंग्लैंड के किंग है, इनके पैलेस के बाहर थोड़ी दूर इस सीन की स्टार्टिंग होती है. वेयर मेलकम एंड मैकडफ टॉक टू ईच अदर अबाउट टायरेंट मैकबेथ. सो गाइज देखो, मेलकम और मैकडफ किंग एडवर्ड के पैलेस से थोड़ी दूर बात करते हैं मैकबेथ के बारे में कि मैकबेथ जो है वो कितना ज़्यादा अत्याचारी है, कितना ज़्यादा क्रूअल है. एंड देन मेलकम इन्फॉर्म्स मैकडफ दैट ही डज नॉट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही हैज़ लेफ्ट हिज फैमिली इन स्कॉटलैंड एंड ही मे बी सीक्रेटली वर्किंग फॉर मैकबेथ. सो इज मेलकम क्या कहता है यहाँ पर, देखो मेलकम जो है वो किंग डंकन का बेटा है. सो मेलकम यहाँ पर क्या कहता है कि वो मैकडफ पर ट्रस्ट नहीं करता है बिकॉज हो सकता है कि मैकडफ जो है सीक्रेटली मैकबेथ के लिए काम कर रहा हो, क्योंकि मैकडफ अपनी फैमिली को अकेले स्कॉटलैंड छोड़ आया है ये सोचे बिना कि उसकी फैमिली को कोई खतरा हो सकता है. मैकडफ यहाँ पर आ गया है, सो इसीलिए मैकडफ को मेलकम बोलता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि हो सकता है तुम मैकबेथ के लिए सीक्रेटली काम कर रहे हो. देन दे टॉक फर्दर एंड देन मेलकम आस्क मैकडफ इफ ही थिंक्स मेलकम डिजर्व्स टू रूल स्कॉटलैंड. सो गाइस, उसके बाद ये दोनों मेलकम और मैकडफ आपस में थोड़ी और बातचीत करते हैं और मेलकम मैकडफ से क्या पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे स्कॉटलैंड पर रूल करना चाहिए या नहीं, कि मतलब मैं मेलकम स्कॉटलैंड पर रूल करना डिजर्व करता हूँ या नहीं, स्कॉटलैंड का किंग बनना डिजर्व करता हूँ या नहीं. सो गाइस, देन मैकडफ सेज दैट सच अ पर्सन डज नॉट ओनली डिजर्व टू रूल बट नॉट इवन डिजर्व टू लिव. यहाँ पर लिव आना था, LIVE. सो गाइस, मैकडफ यहाँ पर क्या कहता है कि मेलकम स्कॉटलैंड का किंग ही नहीं बल्कि वो तो जिंदा रहना भी डिजर्व नहीं करता, कि मतलब मैकडफ ये कह रहा है कि नहीं, वो स्कॉटलैंड का किंग मेलकम को नहीं देखता है, मेलकम स्कॉटलैंड का किंग बनना डिजर्व नहीं करता है. सो गाइज, मेलकम सीज दैट मैकडफ इज ट्रूली डिवोटेड टू स्कॉटलैंड रादर देन जस्ट अ पॉलिटिकल अलायंस. सो गाइज, मेलकम को मैकडफ की इस बात से रियलाइज हो जाता है कि मैकडफ सच में ही स्कॉटलैंड के लिए डिवोटेड है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस यहाँ पर बनाने नहीं आया है, वो सच में ही स्कॉटलैंड को चाहता है, स्कॉटलैंड के लिए डिवोटेड है. एंड देन अ डॉक्टर एंटर्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ किंग एडवर्ड क्योर द पुअर पीपल बाय हिज टच. सो गाइस, उसके बाद जब ये दोनों बातें कर रहे थे वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो डॉक्टर बताता है कि जो किंग एडवर्ड है वो किस तरीके से गरीब लोगों को सिर्फ अपने टच के ही थ्रू बीमारियों से बचा लेते हैं. एंड व्हेन द डॉक्टर लीव्स मेलकम एक्सप्लेन्स टू मैकडफ दैट द किंग एडवर्ड हैज़ अ मिरेकुलस पावर टू क्योर डिजीज. सो गाइस, जब ये डॉक्टर यहाँ से चला जाता है तो मेलकम एक्सप्लेन करता है मैकडफ को, क्योंकि मेलकम तो इंग्लैंड में पहले से रह रहा है, मैकडफ तो अभी आया है. सो इसीलिए मेलकम बताता है मैकडफ को कि जो किंग है उनके पास एक मिरेकुलस, एक जादुई शक्ति है कि वो गरीब लोगों की जो भी बीमारियाँ होती हैं उन्हें वो क्योर कर देते हैं. एंड देन गाइज, रोज एंटर्स द सीन जस्ट अराइव्ड फ्रॉम स्कॉटलैंड. सो गाइज देखो, अब रोज भी आ गया है इंग्लैंड में, अभी अभी वो स्कॉटलैंड से इंग्लैंड पहुँचा है और वो भी इस सीन में एंटर होता है. एंड देन मैकडफ आस्क अबाउट हिज फैमिली, रोज लाइज दैट दे आर फाइन. सो गाइज, मैकडफ अपनी फैमिली के बारे में पूछता है, लेडी मैकडफ और अपने बेटे के बारे में, तो जो रोज है ना यहाँ पर वो झूठ बोल देता है, वो कहता है कि उसकी फैमिली बिल्कुल ठीक है. देन रोज आस्क मेलकम टू रिटर्न टू हिज कंट्री स्कॉटलैंड. सो गाइज, उसके बाद रोज आता है, वो किंग डंकन के बेटे मेलकम को बोलता है कि आप स्कॉटलैंड वापस चलिए बिकॉज जो मैकबेथ है उसने स्कॉटलैंड का बहुत बुरा हाल कर दिया है, लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं. एंड देन मेलकम सेज दैट ही विल रिटर्न विद 10,000 सोल्जर्स. सो गाइज, मेलकम यहाँ पर क्या कहता है कि वो बहुत जल्दी स्कॉटलैंड आएगा 10,000 इंग्लिश सोल्जर्स के साथ. सो रोज ये जानकर बहुत खुश होता है कि थैंक गॉड मेलकम वहाँ पर आएगा सोल्जर्स के साथ, शायद उन्हें मैकबेथ के शासन से छुटकारा मिल जाएगा. एंड देन रोज अनाउंसेस दैट ही हैड अ बैड न्यूज ऑल्सो, मैकडफ्स फैमिली हैज़ बीन मर्डर्ड. सो गाइज, रोज यहाँ पर क्या बताता है कि एक बैड न्यूज़ है और वो बैड न्यूज़ ये है कि जो मैकडफ की फैमिली है उसका मर्डर कर दिया गया है, मतलब लेडी मैकडफ और मैकडफ के बेटे का मर्डर हो गया, उन्हें मार दिया गया है. एंड देन मैकडफ ब्लेम्स हिमसेल्फ एंड स्टार्ट वीपिंग. सो गाइज, मैकडफ इस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करता है कि उसे अपनी फैमिली को अकेले नहीं छोड़कर आना चाहिए था, और वो रोने लग जाता है. एंड देन मेलकम अर्जेस हिम टू टर्न हिज ग्रीफ टू एंगर. सो गाइज देखो, जो मैकडफ है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, अपने आप को ब्लेम करता है, तो मेलकम उसे बोलता है
कि तुम अपने ग्रीफ को अपने एंगर में बदलो, कि जो ये तुम्हारा दुख है ना इसे गुस्से में बदलो और तुम बदला लो. एंड देन मैकबेथ डिसाइड्स दैट ही विल टेक रिवेंज. उसके बाद मैकबेथ डिसाइड करता है कि वो मैकबेथ से रिवेंज लेगा. सो गाइस, ये जो सीन है मैकबेथ एक्ट 4 सीन 3 यहीं पर एंड हो जाता है. और आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोगों से कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम में मेरे फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो माई फेसबुक पेज. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.